नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। कल लोकसभा चुनाव को लेकर के नवादा में मतदान है और मतदान की सभी तैयारियां जिला प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई है। जितने भी चुनाव कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, सारे के सारे अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। आपको जानकारी दे दें कि नवादा संसदीय क्षेत्र में इस बार जो है सो कुल 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला जनता जनार्दन कल करेंगे, ईवीएम में बटन दबा करके करेंगे। और जो डाटा है उसके हिसाब से 20,06,124 मतदाता पूरे लोकसभा की बात कर रहे हैं, जिसमें कि नवादा लोकसभा बरविया विधानसभा भी शामिल है। तो पूरे लोकसभा में 20,06,124 मतदाताओं को वोट डालना है कल। अब कितने डालते हैं कहा नहीं जा सकता है। इस बार जिला प्रशासन के द्वारा बहुत सारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है स्वेप कोषांग के द्वारा, और उसमें प्रयास ये किया गया है कि पिछले कुछ चुनावों की अपेक्षा इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। नवादा में एवरेज 50% के आसपास मतदान होता है, उसे बढ़ाने का प्रयास इस बार किया गया है, लोगों को मतदाताओं को जागरूक किया गया है। तो 8 प्रत्याशी हैं कौन कौन, जरा हम एक बार आपको जानकारी दे देते हैं। एक तो हैं बहुजन समाज पार्टी के रंजीत कुमार, दूसरे हैं भारतीय जनता पार्टी के विवेक ठाकुर, और तीसरे हैं राष्ट्रीय जनता दल के श्रवण कुमार। इसके अलावा आनंद कुमार वर्मा हैं भारत जनजागरण दल के, फिर गनौरी पंडित हैं पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के, गौतम कुमार बबलू भागीदार पार्टी के प्रत्याशी हैं, और इसके अलावा दो निर्दलीय प्रत्याशी हैं गुंजन कुमार और विनोद यादव। कुल जमा 8 प्रत्याशी हैं इस बार चुनाव मैदान में। तो इन्हीं 8 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला ईवीएम में कल कैद होगा, जब लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में जनता जनार्दन मतदाता अपने वोट की आहुति देंगे। और इस वोटर को नवादा के डीएम के द्वारा बताया गया है चीफ गेस्ट, 19 अप्रैल को सबसे बड़े चीफ गेस्ट होंगे, वो मतदाता होंगे जिन्हें बटन दबाना है ईवीएम में। खैर बात आगे बढ़ाते हैं। अब इन 8 प्रत्याशी जो चुनावी कैंपेनिंग में थे, 2 अप्रैल को अंतिम रूप से नाम वापसी हुआ था और उसके बाद सिंबल अलाउट हुआ था। 17 अप्रैल को चुनाव प्रचार का समाप्ति हुआ और 19 तारीख को कल मतदान है। अब 19 तारीख को जो मतदान है उसमें आपको बता दें कि नवादा जिले में कुल 6 लोकसभा हैं, जिसमें 4 लोकसभा नवादा, हिसुआ, बारसलीगंज और बरबीघा, ये 4 विधानसभा में सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। जबकि रजौली और गोविंदपुर जो नक्सल इफेक्टेड माना गया है, नक्सल इफेक्टेड की सूची में शामिल है, वो दोनों विधानसभा में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही मतदान होना है। तो जो भी मतदाता हैं गोविंदपुर और रजौली विधानसभा के, थोड़ा सतर्क रहेंगे, प्रयास करेंगे कि समय पर हम मतदान कर लें। वैसे भी सरकार और प्रशासन और चुनाव आयोग का नारा है पहले मतदान फिर जलपान, तो इसको गांठ बांध लीजिएगा आप लोग। अब जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो ये कि ये जो 8 प्रत्याशी हैं उसमें मुख्य मुकाबला किनके किनके बीच में होना है, तो हमें बताने उताने की जरूरत नहीं है। वो ग्राउंड जीरो पे चुनावी कैंपेनिंग में ही दिख गया है कि कौन कौन से 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं जो मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे थे। एक तो भारतीय जनता पार्टी के विवेक ठाकुर हैं, दूसरे राष्ट्रीय जनता दल के श्रवण कुमार हैं, तीसरे निर्दलीय विनोद कुमार हैं, और चौथे निर्दलीय ही हैं गुंजन कुमार। एक और प्रत्याशी का थोड़ा सा माइकिंग वगैरह हमने देखा नवादा शहर में, और वो थे भारत जनजागरण दल के आनंद कुमार वर्मा, उनका भी कुछ माइकिंग गाड़ी प्रचार वाहन घूम रहा था। बाकी प्रत्याशी, हम किसी प्रत्याशी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, जनता मालिक है, जनता कल तय करेगी, लेकिन मुख्य रूप से ये 4-5 प्रत्याशी ऑन रोड देखे गए जिनका प्रचार प्रसार ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन मुख्य मुकाबला की बात करें तो निश्चित तौर पे इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है
कि मुख्य मुकाबले के कोण में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं, और 4 जून को जब ईवीएम खुलेगा तो यही सत्य होना भी है। वैसे विनोद यादव कोई कमजोर प्रत्याशी नहीं है, विनोद यादव भी पूरी ताकत लगा रखे हैं अपने, चूंकि उनके साथ बहुत सारे राजनीतिक ताकतवर, हम ताकतवर कोई बाहुबल और मसल्स पावर वाले की बात नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से ताकतवर लोग उनके साथ थे, और उन्हें नवादा के 2 विधायक और 1 विधान पार्षद का समर्थन प्राप्त था, और खुल करके कैंपेनिंग किया। राष्ट्रीय जनता दल के 2 विधायक बागी होकर के विनोद यादव के साथ थे, विवादे भी और प्रकाश भी, रजौली विधायक और नवादा विधायक, और 1 MLC जो नवादा स्थानीय निकाय के हैं अशोक यादव, वो भी उनके साथ थे। तो टेम्पो उनका चुनाव चिन्ह था, टेम्पो पर ये 3 सवारी, 2 ML और 1 MLC के था, उनको बजनी बना रहा था। खैर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, इनका तो खैर कुछ कहना ही नहीं, इनका तो प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के जो 2 सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, वो दोनों नवादा इनके लिए पहुंच गए थे। समझ सकते हैं कि ये पार्टी के अंदर इनकी अपनी क्या वर्चस्व या क्या वजूद है इनका, इसी से समझा जा सकता है। श्रवण कुशवाहा की बात करें तो श्रवण कुशवाहा के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि इन्हें अपने नज़दीकी या अपने दल के जो बागी प्रत्याशी हैं विनोद यादव, वो कहीं ना कहीं उनके रास्ते का रोड़ा बने, और ये आपको पूरे कैंपेनिंग के दौरान रोड़ा बने रहे, और पार्टी के जो 2 विधायक थे, विभा देवी नवादा विधायक और रजौली विधायक प्रकाश वीर, उनका भी बगावत हो गया, बागी प्रत्याशी के साथ चले गए, इनके लिए सबसे बड़ा। हालांकि तेजस्वी यादव ने संभालने का बहुत प्रयास किया, 3-3 चुनावी सभाएं की कहुआकोल नवादा और सिरदला में, प्रयास उनका रहा कि किसी भी प्रकार जो नुकसान इन विधायकों के बगावत के कारण हुआ उसकी भरपाई हो जाए। इसके लिए उन्होंने अपना एक प्रवक्ता को ही लगा दिया था यहाँ का चुनाव प्रभारी बना करके, शक्ति सिंह यादव को। शक्ति सिंह यादव ने काफ़ी प्रयास अपने स्तर से किया, बहुत सारे लोगों को तोड़ने जोड़ने का काम उन्होंने किया। इसका क्या लाभ मिलता है, कुछ हम कल शाम में क्लियर करेंगे जब चुनाव समाप्त हो जाएगा, और 4 जून को तो जनता का जो फैसला होगा तो सामने आ ही जाएगा। लेकिन प्रयास उन्होंने किया, शक्ति सिंह यादव ने, अपने पार्टी के अपने अधिकृत प्रत्याशी के लिए। तो इसके अलावा गुंजन सिंह के साथ सबसे बड़ी त्रासदी ये रही कि उनके पास चुनाव लड़ने का जो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो नहीं था। पहली बार चुनावी मैदान में कूदे, कोई अनुभव नहीं था। लोक गायक हैं, भोजपुरी गायक हैं, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है युवा वर्ग में, उनकी अपनी एक पहचान, एक पैठ है हर वर्ग में। लेकिन उनके साथ उनका सबसे कमजोर पॉइंट था यही कि उनके पास चुनावी प्रबंधन नहीं था, चुनाव लड़ने का अनुभव भी उनके पास नहीं था, पहली बार उस चुनावी मैदान में कूदे थे। हम फिर एक बार कह रहे हैं कि निर्णय जनता को करना है, जनता कल निर्णय करेगी, कल जब हम बूथों पर निकलेंगे क्या स्थिति रहती है, कुछ ज्यादा स्पष्ट बताने की स्थिति में होंगे। लेकिन चुनाव प्रचार की समाप्ति तक की जो स्थिति दिखी थी, उस वो स्थिति यही बता रही थी कि किनके सामने क्या क्या परेशानी रही चुनाव कैंपेनिंग के दौरान, और जनता उसको किस रूप में स्वीकार की है, किस रूप में कल ईवीएम में प्रकटीकरण करती है, वो देखना भी बाकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एक छोटी छोटी एक दो जानकारियां दे देते हैं। एक जानकारी तो ये है कि गोविंदपुर विधानसभा में जो कौआकोल प्रखंड का एक दनिया गांव है, प्योर जंगली पहाड़ी इलाके में है, उस गांव का बूथ को पचम्बा विद्यालय में शिफ्ट किया गया है। तो वहां के मतदाता, दनिया के मतदाता पचम्बा में आकर के मतदान करेंगे। एक ये जानकारी हमें लगा कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जानकारी आप लोगों को दे देना है। दूसरी जानकारी हमने आपको पहले ही बता दिया है कि गोविंदपुर और रजौली विधानसभा में 4 बजे तक ही मतदान होगा, 7 बजे सुबह से शाम 4 बजे तक, बाकी सारे 4 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 6 बजे तक मतदान होगा। गर्मी का समय है, 6 बजे तक दिन ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, मतदान होगा, इत्मीनान से लोग वोट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी प्रयास लोग करें, गर्मी का समय है, दोपहर में मतदान का स्लो हो जाता है, इसलिए बेहतर होगा कि सुबह के वक्त में ही लोग मतदान कर लें, उसके बाद जाकर के घर लौटकर जलपान करें। हम भी प्रयास करेंगे कि
सुबह में पहले मतदान कर लें, फिर जलपान कर लें, उसके बाद हम फील्ड में निकलें और आप लोगों के लिए कुछ अच्छी अच्छी खबरें हम ला करके आपको परोसे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।